माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अलोक्यजाय नमः नारायणाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हराय नमः भरद्वाज गौतमाय प्राणायामी विनियोगः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। अस्माकं सर्वेषां सर्वेषां सह सह कुटुम्बानां कुटुम्बानां क्षेम क्षेम स्थैर्य स्थैर्य शुभ शुभ जय जय आनंद आनंद आयुष्य आयुष्य आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभि अभि वृद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष पुण्य पुण्य पुरुष पुरुष सिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थं सकल सकल पाप पाप निवृत्त्यर्थं निवृत्त्यर्थं उद्योगे उद्योगे धन धन कनक कनक वस्त्र वस्त्र सकल सकल ऐश्वर्य ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थं प्राप्त्यर्थं महागणपति महागणपति लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी कुलदेवता कुलदेवता ज्ञान ज्ञान आवाहन आवाहन आसन आसन षोडश षोडश उपचार उपचार पूजनञ्च पूजनञ्च करिष्ये महागणपतिदेवता पूजा मम कुंभकर्ण प्राणा यम्य हृदय भुजे कर्णिक मध्य संस्थ सिंहासने संस्थित दिव्य मूर्ति नर्मदे सुंदर कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा गोदावरी कृष्ण प्रयाग द्वारका सह आह्वाय पंच गंगाश्च सर्व पाप हर शुभ इमं मे गंगे यमुने सरस्वती द्रुत सुमृष्णसंगते ते वैक्रमासी जना सौ अमृत तत्वायम सुवर्ण शुष्क कलेशेषु गंगा वाणी योग तत्वा आयाम्य ब्रह्मण वंदमान दशा आस्ते यजमान महेडमान वर्ण भोजरुषम समान आयु प्रमोषी। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। पंच गंगा देवता भिन्न ध्यानवनादि सर्वैः षोडशोपचारम् ओम हे रम्भाय नमः कटे पूजयामि ओम लंबोदराय नमः मुद्रां पूजयामि ओम घणानाथाय नमः हृदय पूजयामि ओम स्थूलकंठाय नमः कंठ पूजयामि ओम स्कंदग्रजाय नमः स्कंद पूजयामि ओम परशुरस्ताय नमः हस्त पूजयामि ओम गजवक्त्राय नमः मुखं पूजयामि ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम द्विजप्रियाय नमः ओम इन्द्रप्रियाय नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम सर्वतनयाय शिवाय नमः
ओम सिद्धाय नमः ओम बुद्धि प्रदाय नमः ओम शांताय नमः ओम गजद्वय मातुराय नमः ओम मनेश्वत्याय नमः ओम एकदंताय नमः गंडाय नमः ओम गुणातीताय नमः ओम निरंजनाय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम वरदाय नमः ओवीतभयाय नमः ओम चक्रिणे नमः ओम श्रीशाय नमः ओम श्रुतिहर्षिताय नमः ओम जटिने नमः ओम चंद्रचूडाय नमः ओम अमरेश्वराय नमः ओम नागोपविताय नमः ओम श्रीकमः ओम वागीशाय नमः ओम दूर्वबिल्वप्रियाय नमः ओम ओम सौम्याय नमः ओम अच्युताय नमः ओम कैवल्याय नमः ओम ज्ञानिने नमः ओम मायालुकाय नमः ओम सिंदूरवदनाय नमः व्यक्तमूर्तये नमः ओम अमूर्ताय नमः ओम सृष्ट्यर्चिताय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम ध्वजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः आननाय नमः अष्टोत्तरशतपूजनं समर्पयामि। आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वा धूपं दर्शयामि। नैवेद्यं समर्पयामि वेरी नाइस लेकिन अभी आवाज नहीं आ रही कि प्रेयर करना है भगवान को हम प्रार्थना करें ओम सुखकर्ता दुखहर्ता वाता विघ्नहारी नरमी परमी प्रेम Yeah, I'm not even a teacher, I'm not even a teacher.
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति वेदोक्त मंत्र पुष्पं समर्पयामि यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तान्तर्वेक्षं ते प्रदक्षिणं पदे पदे अन्यथा शृणुमः ब्राह्मणेभ्यः शुभम् अस्ति च लोका समस्त सुखिनो भवन्तु काले वर्षद पर्जन्य प्रतिविशालिनि देशाभ्यो प्रहित सज्जना सन्तनुभय ॐ स्वस्ति ओम श्रद्धाम मेधाम यशः यशः प्रज्ञाम प्रज्ञाम विद्याम विद्याम बुद्धिम बुद्धिम श्रियम श्रियम बलम बलम आयुष्यम आयुष्यम तेज तेज आरोग्यम आरोग्यम देहि मे गणनायक गणनायक देहि मे गणनायक देहि मे गणनायक वर्तमाने पूर्वक एवं मनुष्ये समिष्टाय शुभ पुण्यतीतो महागणपति कुलदेवता लक्ष्मी देवी पूजा प्रसाद लो बच्चों औषध वैद्यो नारायण हरि अकाल मृत्यणम सर्व व्याधिवारणम सर्व दुर्गोपशमनम लक्ष्मी देवी महागणपति देवता पादोदकम शुभम देवता कुलदेवता महागणपति देवता पादोदकं शुभम् नैवेद्यार्थे स्थापित उपहार नैवेद्यम् निवेदयामि स्वाहा प्राणापान व्यानोदान समान फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्य सचरा जी बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 24 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज़ हुई विवेकम और 24 तारीख को ही हम गणपति बप्पा को घर ले आए और 24 तारीख को ही रिकॉर्ड्स टूटने शुरू हो गए और बहुत खुशी हुई कि मेरी जो डेब्यू तमिल फिल्म है विवेकम 3 दिन में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस क्रॉस किया है और एक्सपेक्टेशन ये है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस काफ़ी ऊँचा जाएगा और ऑलरेडी काफ़ी टेरिटरीज में सेंटर्स में रिकॉर्ड तोड़ रही है पिक्चर सो वी वेरी वेरी हैप्पी देखा जाए तो ये गणपति स्पेशल और ज़्यादा हो जाता है हाँ बिल्कुल इस साल गणपति जी हमारे लिए बहुत सारे आशीर्वाद लेके आए हैं मेरा जो अमेजोन प्राइम पे शो है इनसाइड एज वो भी वर्ल्ड का नंबर वन मोस्ट बिंज वॉच शो हो गया है ऑन द प्लेटफॉर्म तो इस साल इनसाइड एज और उसके बाद विवेगम दोनों की जो सक्सेस है व्यापार में बिजनेस में सक्सेस है घर पे खुशहाली है तो गणपति बप्पा से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतना आशीर्वाद दिया पिछले साल से इस साल में अभी आपने देखा नहीं पूजा चल रही थी पूजा के बीच में भी वो लड्डू खींच रहा था चुरा रहा था अपने भाई के साथ मस्ती कर रहा था तो विवान है बहुत नॉटी हाँ बिल्कुल यही प्रॉब्लम है कि जब भी मैं उसको कुछ कहता हूँ कि ऐसा मत करो तो मम्मी या पिताजी या मेरी वाइफ कहती हैं कि जब आप करते थे तो फिर ये कैसा नहीं करेगा बेटा बाप पे ही जाएगा तो करता है खूब बदमाशी करता है और मुझे लग रहा है कि जितनी बदमाशियाँ मैंने की हैं बचपन से अब मुझे वो अपनी आँखों से देखते हुए नज़र आ रहा है कि कितना मुश्किल हुआ होगा मेरे माँ बाप को मैनेज करना भाई गणपति हर साल कुछ ना कुछ स्पेशल इमोशन स्पेशल मेमोरीज लेकर आते हैं बट खास सबसे खास मेमोरीज मुझे याद है जब मैं विवान की उम्र का था जब बहुत छोटा था तो अपने मित्र मंडल के साथ में जाता था और हम लोग सब गणपति को जुहू बीच में देखने जाते थे 5वां दिन का विसर्जन या 7वें दिन का विसर्जन बहुत बड़ा हुआ करता था
मुझे याद है कि आरके स्टूडियोज़ का बहुत बड़ा गणपति हुआ करता था और ट्रक में लाया जाता था, क्रेन से उठाया जाता था, बोट्स पे डाला जाता था और फिर समुद्र में ले जाके उसकी विसर्जन हुआ करती थी। तो वो जो बड़े बड़े गणपतियों के विसर्जन देखना, जिस तरह से त्यौहार शानो शौकत से मनाया जाता था, मिठाई और प्रसाद की आपको ढेर मिलते थे, तो वो सारी यादें अभी भी मुझे याद आती हैं। इस साल बहुत अच्छा साल रहा और हर साल की तरह हमने इस साल भी इको फ्रेंडली गणेश लाया है। कोशिश ये है कि शाड़ू माटी की गणपति से, और जो कलर्स जो हैं वो नॉन टॉक्सिक पेंट्स हैं, सब नेचुरल वेजिटेबल डाइज से या कुमकुम से या केसर से बने हुए हैं। तो ये सब जो नेचुरल पेंट्स हैं, इनसे पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है, समुद्र माँ को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो कोशिश ये है कि लोगों तक ये मैसेज हम पहुंचाते रहें, और बहुत खुशी होती है देख के कि इको फ्रेंडली गणेशा का अब जो चलन है वो बहुत अच्छा हो गया है। तो आप फ्रेंड्स को एडवाइस देते हैं? हाँ बिल्कुल, और कई फ्रेंड्स तो मेरे ऑलरेडी इको फ्रेंडली करते हैं। जैसे आपने रितेश का अगर वीडियो देखा होगा, वो खुद बना रहे थे अपने हाथों से इको फ्रेंडली, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि अगले साल हम साथ में मिलके बनाएंगे, तो अच्छा लगा। आज 500 वाली ने, कितना सैडनेस? कोई सैडनेस नहीं है, सिर्फ मूर्ति जा रही है, लेकिन बप्पा तो हमारे दिल में है, हमारे घर में है। जी जी, बस यही कि प्लीज़ संभालिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और घर से निकलने से पहले सोच समझ के निकलिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। बारिश ज़्यादा हो जाती है तो बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं लोग, और अपने मोबाइल फ़ोन्स चार्ज करके रखिए कि कभी इमरजेंसी कम्युनिकेशन करना हो तो अपने हाथ में कुछ होना चाहिए। बस सोच समझ के थोड़ा सा, कुछ दिनों के लिए मुंबई पे इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है, उसमें हमें संभलना बहुत ज़रूरी है।